सवे भवन्तु सुखिन, तन मन धन सब है तेरा। भाग एक, सत्य सत ग्रहण करें, असत्य तम त्यागें। जैसे बिना पावर कट के उपकरण मशीन आदि नहीं चल सकते हैं, यानी बिना पावर के यंत्र संयंत्र उपकरण निरर्थक हो जाते हैं, उसी तरह आत्मा के बिना समस्त अंग प्रत्यंग जड़ हो जाते हैं। शरीर में हो रहा स्पंदन थम जाता है, प्राण गति श्वासों का आवागमन थम जाता है, इंद्रियों की गति थम जाती है। शरीर जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी पीता है, जो कुछ भी निर्वासित करता है, तब तक ही कर सकता है जब तक चेतन तत्व आत्मा शरीर में विद्यमान रहता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलता है, शरीर की समस्त गतिविधियां रुक जाती है, थम जाती है। जैसे आत्मा के बिना शरीर जड़ हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसी तरह परमात्मा यानी कि परम चेतन तत्व परम शक्ति, जो कि इस प्रकृति ब्रह्मांड की आत्मा है, उस परम चेतन तत्व के बिना प्रकृति का कोई औचित्य नहीं। चेतन तत्व के बिना जल चक्र की क्रिया असंभव है, यानी वर्षा होना, बर्फ जमना, बर्फ पिघलना, जल का वाष्पीकरण होना असंभव है। अन्न फल फूल वनस्पति की कल्पना करना भी असंभव है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसी तरह परमात्मा के बिना प्रकृति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आत्मा है तो शरीर में चेतनता है, परमात्मा है तो प्रकृति में चेतनता है। यदि चेतन परम आत्मा नहीं तो यह प्रकृति निरर्थक है। जो कुछ भी इस प्रकृति से प्राप्त होता है, चेतन तत्व परमात्मा के कारण ही प्राप्त होता है। इसीलिए कृतज्ञ समर्पित भक्त के हृदय की पुकार है कि प्रभु तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन में तेरे गीत गाता रहूं। यानी कि चेतन तत्व के कारण ही तन की सार्थकता है, चेतन तत्व के कारण ही मन की सार्थकता है, चेतन तत्व के कारण ही धन की सार्थकता है। इसीलिए समर्पित भक्त के हृदय की पुकार है कि हे परमात्मा, तन भी तेरा ऋणी है, धन भी तेरा ही उपहार है, चेतनता के अभाव में मन भी निष्क्रिय है। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतन तत्व के बिना यह प्रकृति निरर्थक है, चेतन तत्व के बिना यह शरीर निरर्थक है। जैसा कि कार्य कारण सिद्धांत है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई कार्य स्वत नहीं हो सकता है। प्राणधारियों की जो गतिविधियां दिखाई देती है, जैसे कि चलना फिरना दौड़ना आदि, सभी अंगों की सक्रियता का कारण चेतन तत्व आत्मा है। सूर्य पृथ्वी ग्रह उपग्रह चंद्र तारे सभी की सक्रियता के पीछे कारण है, वह कारण सुपर पावर है, परम चेतन तत्व है, जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। जैसे कि विद्युत बल्ब के जलने के पीछे का कारण अदृश्य विद्युत कट है। लगातार दो